नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल से हट गए थे और अब न्यूजीलैंड के भी सभी खिलाड़ी आईपीएल से हट सकते हैं। तो क्या है वजह बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी एक केन विलियमसन के फैन तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के इस सन को बीच में ही अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद बाकी के मैचों के आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसे कब कराया जा सकता है? बीसीसीआई के सामने यह चुनौती है कि कैसे कोरोना संकट के बीच बाकी के बचे मैचों का आयोजन खिलाड़ियों को बिना जोखिम में डाले कराया जाए। हालांकि यह तो तय है कि भारत में कोरोना के चलते लीग का आयोजन नहीं किया जा सकता है और खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि भारत में आईपीएल के बचे हुए मैचों का आयोजन नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई के सामने बड़ी चुनौती यह भी है कि कैसे विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में इतने व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के चलते आईपीएल इकट्ठा किया जाए। बता दें दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि उनके खिलाड़ी आईपीएल के रीशेड्यूल होने पर इस साल मैच नहीं खेल पाएंगे। टीम के डायरेक्टर एशले जॉयल्स ने साफ किया है कि शेड्यूल काफी व्यस्त है, ऐसे में आईपीएल के रीशेड्यूल होने पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की उपलब्धता मुश्किल है। इंग्लैंड के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम सितंबर माह में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेगी, ऐसे में टीम के कप्तान केन टीम के साथ होंगे, लिहाजा आईपीएल के बाकी मैचों में उनका खेल पाना मुश्किल लग रहा है। गौरतलब है कि बीसीसीआई टी20 विश्व कप से पहले आईपीएल के बचे हुए मैचों का आयोजन कराने की योजना बना रही है। टी20 विश्व कप अक्टूबर या नवंबर माह में हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी में व्यस्त होंगे, लिहाजा बीसीसीआई के सामने यह चुनौती जरूर है कि आखिर किस तरह से विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को देखते हुए आईपीएल के बाकी के मैचों का आयोजन कराया जाए। अगर आईपीएल का यह सीजन रद्द होता है तो बीसीसीआई को तकरीबन 250 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खेलें और आईपीएल हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।